नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी में एआई की मदद लेना सही या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 7 देश एआई के जरिए सीमा सुरक्षा कर रहे हैं। इन देशों में भारत, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और नाइजीरिया शामिल हैं। ये देश अपने देश में होने वाले अवैध प्रवेशों को रोकने के लिए एआई की मदद ले रहे हैं। इंटरनेशनल जस्टिस रिसोर्सेज सेंटर के मुताबिक सभी प्रवासियों को जीवन का अधिकार है। इन देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीमा पर से आने वाले प्रवासियों को जान का खतरा नहीं है इन एआई सोल्जर्स से। एआई से होने वाले खतरे को लेकर टेक कम्युनिटी में एक लंबी बहस चल रही है। उनका कहना है कि एआई अभी जितनी अच्छी और आसान लग रही है, फ्यूचर में उतनी ही घातक साबित हो सकती है। इनकी कोडिंग को चेंज करके इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बॉर्डर पर यूज होने वाली फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता बनी रहती है। अगर टेक्नोलॉजी ने किसी गलत इंसान को पहचान लिया तो किसी गलत इंसान को बॉर्डर एरिया में एक्सेस मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं कि कौन से वो देश हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी में एआई की मदद ले रहे हैं। नंबर 1, भारत ने पाकिस्तान और चाइना की हरकतों पर नजर रखने के लिए LOC और LSE पर 140 एआई सर्विलेंस सिस्टम लगाए हैं। इस सिस्टम्स के तहत हाई रेजोल्यूशन कैमरा, ड्रोन, रोबोट, सेंसर लगाए गए हैं। नंबर 2, इसराइल ने देश की सीमा पर 3 रोबोटिक गन्स लगवाई हैं। इनमें से 2 वेस्ट बैंक में लगाई गई हैं, जो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच विवादित क्षेत्र है। इन रोबोटिक गन्स के जरिए आंसू गैस, स्मोक ग्रेनेड और स्पॉन्ज बुलेट्स छोड़े जाएंगे। यह गन्स अपना टारगेट खुद ही तय करती है। नंबर 3, अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर रोबोट डॉग्स तैनात किए हैं। ये कैमरा, कम्युनिकेशन सिस्टम और AI से लैस है। इसका इस्तेमाल बॉर्डर पार कर रहे लोगों पर नजर रखने के लिए और हथियार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मेक्सिको सीमा से US में हर दिन 2000 प्रवासी घुसते हैं। नंबर 4, ब्रिटेन ने भी हाल ही में AI के जरिए समुद्र के रास्ते देश में घुसने वाले अवैध प्रवासियों की नज़र रखने के लिए AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकारों ने करोड़ों रुपए खर्च कर ड्रोन टावर भी बनवाए हैं। ये खास तौर पर पानी के रास्ते देश में घुसने वाली रबड़ बोट्स का पता लगाते हैं। 2022 में छोटी नाव के सहारे 45,755 लोग अवैध तरीके से ब्रिटेन में घुसे थे। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 तक 12,000 लोग ब्रिटेन में अवैध रूप से घुस चुके हैं। तो आइए जानते हैं प्रवासियों के कुछ मानवाधिकारों के बारे में। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत प्रवासियों को मनमाने तरीके से गिरफ्तार या उनको हिरासत में लेना गलत है। बिना कारण बताए किसी प्रवासी को हिरासत में लंबे समय तक रखना ECHR यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून प्रवासियों और नागरिकों के मानवाधिकारों में भेदभाव से मुक्ति की गारंटी देता है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवासियों को यातना से मुक्ति का निर्देश देता है। प्रवासियों को अत्याचार और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा मिलती है। 4, इसके तहत कोई भी देश प्रवासियों को उन क्षेत्रों की सीमाओं पर वापस नहीं भेज सकता जहाँ पर उनकी जान को खतरा है। नंबर 5, इस कानून के तहत यह सुनिश्चित करता है कि प्रवासियों के साथ भी सेम व्यवहार किया जाना चाहिए जो कि वहाँ के नागरिकों के साथ किया जाता है। US समेत कई देशों की हिरासत में कई प्रवासियों की मौत की खबरें आती रही है। CNN के मुताबिक सरकारों का कहना है कि AI से बॉर्डर सुरक्षा बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है। दूसरी तरफ प्रवासियों के लिए काम करने वाले संगठन और लोगों का कहना है कि प्रवासियों को रेफ्यूजी की जगह अपराधी समझा जा रहा है। रेफ्यूजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि AI प्रवासियों की मुसीबतें बढ़ा रहा है, लेकिन सरकारों का यह कहना है कि AI को बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए रखा गया है। पर AI रेफ्यूजीज और क्रिमिनल्स में फर्क करने में उतनी कुशल नहीं है। द केबल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर AI के एल्गोरिदम में छेड़छाड़ कर दी जाए तो वो बहुत ही घातक साबित हो सकती है। वो अपने लोगों को ही नुकसान पहुंचाएंगी और जिससे बहुत ही ज़्यादा तबाही हो सकती है और जिसकी वजह से नागरिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन होगा। रेफ्यूजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी पर संदिग्ध गतिविधियों को कंट्रोल करने से जुड़े फैसले लेने के लिए AI की मदद लेनी चाहिए, ना कि बॉर्डर पर AI को तैनात करना चाहिए। वहीं ह्यूमन राइट्स एडवोकेट पेट्रा मोल्ला ने CNN के साथ बातचीत में कहा कि बॉर्डर पार करते समय कई रेफ्यूजीज अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में AI की मदद लेनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है, AI का यूज बॉर्डर सिक्योरिटी में करना चाहिए या नहीं? ये सही है या गलत, अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। और भारत में आए प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने CAA लागू किया है, क्या यह सही है या गलत, ये भी कमेंट करके बताएं। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।